मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है काइट। काइट क्या होता है? लुक एट फिगर 3.16। फिगर 3.16 ए शोज सम क्वाड्रिलेटरल लाइक ए बी सी डी। ये कुछ क्वाड्रिलेटरल शो हो रहे हैं, दिस वन इज दिस, ठीक है। ये जो टाइप्स हैं ये क्या हैं? दीज आर काइट्स। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, बी सी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इक्वल है सी डी के एंड ए बी इक्वल है ए डी के, ठीक है। ऐसी पी क्यू आर एस में पी क्यू इक्वल है आर एस के और क्यू आर इक्वल है एस आर के। ऐसी वाली फिगर में एल आई इक्वल है आई एम के और एल ई इक्वल है एम ई के, ठीक है। सच अ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड अ काइट। इस टाइप की जो क्वाड्रिलेटरल होती हैं वो क्या कहलाती हैं? वो काइट कहलाती हैं। दस अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स इज कॉल्ड अ काइट। यानी कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी कोई भी टू डिस्टिंक्ट पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेस्टिंग साइड पेयर हों, दो इक्वल पेयर्स हों एडजेस्टिंग साइड के, तो ये वाली और ये दोनों आपस में एडजेस्टिंग साइड है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये एडजेस्टिंग है, ये भी एडजेस्टिंग है, ये दोनों आपस में एडजेस्टिंग साइड है, ये भी इक्वल है, तो दो पेयर हो गए एडजेस्टिंग साइड के इक्वल। तो इस टाइप की जो फिगर होती है वो क्या कहलाती है? वो काइट कहलाती है। उसके बाद में नीचे भी कुछ फिगर दे रखी हैं, ए बी सी डी और ये यू टी एस आर, तो दीज आर नॉट काइट, ये काइट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ अ काइट। काइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है काइट में? अ काइट हैज़ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट इक्वल एंगल्स। काइट में केवल एक पेयर अपोजिट एंगल्स का इक्वल होता है, ठीक है। इन फिगर 3.17, ये 3.17 फिगर दे रखी है, ए बी सी डी एक काइट है, मेजर इसमें एंगल मेजर किया एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी को, ठीक है। वी विल फाइंड, तो हमें क्या मिलेगा? वी विल फाइंड दैट एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल ए डी सी के। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये कैसे इक्वल होगा? लॉजिकल आर्गूमेंट लगाएंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में देखेंगे और ए डी सी में, ठीक है। ए बी इक्वल है ए डी के और सी बी इक्वल है सी डी के एंड ए सी इज इक्वल टू ए सी, दोनों में कॉमन है, तो जब कॉमन है तो ये क्या हो गई? ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंट हो गया, यानी कि तीनों में साइड साइड इक्वल हो गई, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए डी सी। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो सी पी सी टी रूल से हमारा क्या हो जाएगा? एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी सी के, ठीक है। सी पी सी ऑल्सो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री के ऊपर, वन थ्री के इक्वल होगा, टू फोर के इक्वल होगा, दैट इज ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड सी, क्योंकि ए जो है, ए सी जो है वो एंगल ए और सी को बाइसेक्ट कर रही है, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी टू, वो प्रॉपर्टी टू है डायगोनल्स ऑफ अ काइट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो डायगोनल्स होते हैं काइट के वो एक दूसरे के को किस पर इंटरसेक्ट करते हैं? वो क्या होते हैं? एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। इन फिगर 3.18 ये है, ये डायगोनल है बी डी और ए सी, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? यहाँ पर, तो दिस वन इज 90 डिग्री का एंगल, ये 90, ओके। तो ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पी, मेजर एंगल बी पी सी एंड वी फाइंड दैट एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। थैंक यू।